इसको स्टार्ट करना बता देना, बिल्कुल उल्टा सीधा हो जाए क्या मतलब है? हाँ लिखना, दूसरी अभिक्रिया लिख दी है भाई, लिखना XeF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड के साथ SF4 के साथ क्रिया कराएंगे हम, प्लस SF4 SF6 बन जाता है, SF6 बनता है प्लस जीनो में, ठीक है XeF4 की क्रिया मर्करी से भी करा दो, ये सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस जो मेरे पास लिखी हुई है, मर्करी से कराओगे आप सीरियम टेट्राफ्लोराइड से करा दीजिए कभी क्योंकि आप चलो दो और अभिक्रिया लिखो इसकी फटाफट से, इसलिए आ जाओ लिखना रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो थी उसको बनाया कैसे गया है उसमें, आप अगर आपको यूज करना है तो आप उस जगह यूज कर सकते हो उत्प्रेरक, लेकिन इसमें है ही जिनमें होता है उसमें तो काम आता है। अरे जो अभिक्रिया स्वतः ही, अच्छा उत्प्रेरक का काम क्या होता है देखना, उत्प्रेरक का काम ये है कि कोई भी अभिक्रिया जो चल रही है ना, अगर धीरे चल रही है तो हमें उसे तीव्र करवाना है, और जो तीव्र चल रही है वो उत्प्रेरक ये काम करता है। आप पढ़ोगे एक तो धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़े, स्वयं उत्प्रेरक भी पढ़े थे, तीन चार प्रकार के उत्प्रेरण की प्रक्रियाएं हुआ करती थी, लेकिन हर रिएक्शन में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। जिनमें लगता है ना कि हाँ भाई ये अभिक्रिया में हमें आवश्यकता है, पता है हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी उत्पाद को बनाना भी चाहते हैं और कभी कभी किसी उत्पाद जो ज्यादा बन रहा है ना उसे खत्म भी करना चाहते हैं, तो जिसे हम खत्म करना चाहते हैं वहाँ उत्प्रेरक काम आते हैं। ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि जिन्हें हम करना ही नहीं है ना, जो चल रहा है चलने दो ऐसा, और होती है तो वो तो फिर एक प्रैक्टिकल बेसिस पे होती है, होगा तो मैं लिखवा दूंगी जैसे होगा। चलो ये लिख दिया, इसके बाद इसमें लिखना जल XeF4 की क्रिया जल के साथ करवाने पर XeF4 की क्रिया, सॉरी XeF4 चलाना, XeF4 की क्रिया जल के साथ करवाने पर जीनोन ट्राइऑक्साइड बनता है भाई, जीनोन ट्राइऑक्साइड बनता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तथा ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है 2XeO3 2O2 3O2 है, बस देख लेना ये बैलेंस है या नहीं ना, 4XE+2 24H, अब
पे इस पे 6x4 प्लस 12h2 प्लस CO2 प्लस 2xCO3 प्लस 4xE 4 बैलेंस कर लेना बस ना एक लास्ट अभिक्रिया लास्ट नहीं है दो तीन और है चलो देखो फटाफट वही सेम अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करता है अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करता है अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करता है 3HCl4 प्लस 4NH3 सॉरी अमोनिया बोला ना नाइट्रोजन सही बोला ना मैंने अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करता है देख लेना भाई बैलेंस है यार होनी तो चाहिए देख लेना एक बार है ना चलो फटाफट फटाफट लिखना इसमें और करा तो दो अभिक्रिया और लिख रही है मेरे नोट्स में देखो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड से क्रिया करके डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड से क्रिया करके अगली क्लास किसकी है आपकी हरकेश सर डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड से क्रिया करके O2F2 ऑक्सीजन मुक्त करता है तथा HCF6 बनता है लिख लिया अगली लास्ट अभिक्रिया हाइड्रोजन से क्रिया करके जीनोन मुक्त करता है हाइड्रोजन से क्रिया करके जीनोन मुक्त करता है टेस्ट पेपर देके जाऊंगी जो यूनिवर्सिटी के बेसिस पर 3 आवर्स का पेपर होगा आपका ईमानदारी से बैठ के घर पे करना उसको सॉल्व कि हमने एक बार पढ़ लेना ठीक से फिर करना सॉल्व दोनों पेपर्स बना के जाऊंगी जो मैंने पढ़ाया है इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों पेपर्स आप करके देखना उन्हें सॉल्व कि आपको कितना आता है उस हिसाब से और मैं जिस दिन यहाँ पे लास्ट दिन जब जिस दिन आऊंगी मैं कि हाँ भाई ठीक है आपका सिलेबस खत्म हो रहा है उस दिन आप अपने साथ कोई भी बुक होगी उससे लेकर आएंगे है ना तो उससे क्या होगा कि हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यानी कि जो इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ना है आपको उस पर फोकस ज़्यादा करना है तो वो चीज़ मैं बता दूंगी आपको कि कितना पढ़ेंगे आप ठीक है इसकी संरचना स्ट्रक्चर पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके बताऊंगी मैं आपको कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ठीक है ना तो वो चीज़ आप पेपर में उसको अप्लाई करना जितना आप सोच रहे हो उससे 2-3% मार्क्स तो आपके जरूर बढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते ठीक है अब देखना संरचना क्या होगी इसकी मैं फटाफट बता दूं इसको जीनोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 4 तो फ्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लॉन्ग पेयर्स 2 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 d2 इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मुझे बना के बतानी है कि बता लो बना लोगे करके देखो नहीं आए तो पूछना स्ट्रक्चर होती है इसकी वर्ग समतलीय देखो नहीं आए ना तो कल पूछ लेना एक बार ना
और आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, शर्माना नहीं है। बस ये नहीं करना कि हाँ बस अपने दिमाग को जोर देने लग रहे हो। वर्ग समतल इसकी स्ट्रक्चर होती है, जीनोम, चारों कॉर्नर्स पर फ्लोरीन लगा देना, लॉन पेयर जो है दोनों एक तल के ऊपर एक तल के नीचे। XCOF4, XCOF2, XCO2F2 ये तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मतलब कल आपकी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। कल आते ही मुझे ये करानी है, ऐसा लग रहा है ना आपको टाइम लगा नहीं लगता। XCF6 का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के, चलो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं। XCF6 का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेना, क्योंकि उसकी बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुणधर्म मैं करवा दूंगी। बाकी के बच्चों में कल जो पोस्ट है इसका, जो समझने लायक चीज़ है वो कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।